हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, जब भी आप वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हो, अगर आपकी वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो आप उस वीडियो को पूरा डिलीट कर देते हो, जिससे आपकी मेहनत तो बेकार होती ही है, साथ में आपके चैनल पर बहुत ही बुरा इफेक्ट भी पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हैं, वो भी बिना वीडियो डिलीट किए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी वीडियो को एडिट करें जो कि कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। तो देखिए, कॉपीराइट क्लेम हटाने के लिए सबसे पहले हमें अपना मोबाइल फोन उठा लेना है। अब मोबाइल फोन उठाने के बाद आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, अब उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है यूट्यूब। जैसे ही आप यूट्यूब डालकर यहाँ पर सर्च करेंगे, उसके बाद आपको अपने चैनल वाले लोगो पर यहाँ पर टच करना है। जैसे ही आप चैनल वाले लोगो पर टच करेंगे, उसके बाद आपके सामने आएगा योर चैनल, आपको इस पर टच करना है। योर चैनल पर टच करने के बाद आपके सामने आपका चैनल खुलेगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई देगा, आपको इस पर टच करना है। इस ऑप्शन पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर आपके चैनल का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंटेंट में चले जाना है। कंटेंट में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर सभी वीडियोस निकल कर आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस वीडियो पर आपकी कॉपीराइट आया है। अब देखिए, आपको इस कॉपीराइट को हटाना कैसे, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आपको सिंपली ऐसा ही करना है। अब यहाँ पर आपको कॉपीराइट क्लेम पर टच करना है। जैसे ही आप कॉपीराइट क्लेम पर टच करेंगे, आपके सामने व्यू डिटेल आएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, वो भी YouTube की तरफ से ये पेज होता है। आपकी वीडियोस की पूरी डिटेल्स इसमें दिखाई जाती है, कितनी वीडियोस पर आपकी कॉपीराइट क्लेम आया है और क्या वीडियो आपने यूज की है, वो सभी यहाँ पर दिखाई देती है। तो चलिए, अब इसे हटाना कैसे है वो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पर आपको टच करना है। अब यहाँ पर आपके सामने अनेकों फीचर निकल कर आ जाएंगे। इन फीचर का काम क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पर एक फीचर का काम है, जितने भी वीडियोस पर आपकी कॉपीराइट क्लेम आया है, आप उतनी वीडियो को यहाँ से कट कर सकते हैं। देखिए, कट किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको इस ट्रिम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइमर सेट कर लेना है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। मान लो आपके 30 सेकंड के बाद आपके वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम आया है 10 सेकंड का, तो इधर होगा हमारा स्टार्ट टाइम 30 सेकंड और इधर होगा हमारा एंड टाइम 40 सेकंड। तो हमारा बीच का जो 10 सेकंड है, 10 सेकंड का हमारा कॉपीराइट क्लेम है, तो हमें इसे हटाना है। अब यहाँ पर आपको 10 सेकंड का कॉपीराइट क्लेम नहीं हटाना है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड का कॉपीराइट हटाना है। अगर आप 4 सेकंड का कॉपीराइट हटा देते हैं तो आपकी वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। देखिए किस तरीके से हटाना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर 36 सेकंड और इधर रहने देता हूँ मैं 40 सेकंड। अब इसे ट्रिम करने के लिए हमें ट्रिम वाले ऑप्शन पर टच करना है। आपके सामने यहाँ नीचे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी वीडियोस थोड़ी देर प्रोसेसिंग में जाएगी। प्रोसेसिंग में जाने के बाद फिर आपके वीडियो से कॉपीराइट बिल्कुल हट जाएगा। अगर आपको ये तरीका भी अच्छा नहीं लगता है तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे तरीके की। दूसरा जो तरीका होता है हमारा, वो है रिप्लेस सॉन्ग। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपने किसी भी कंपनी का या किसी भी दूसरे क्रिएटर का सॉन्ग यूज़ किया है जो कि कॉपीराइट फ्री नहीं है, तो उस पर आपको कॉपीराइट मिला है, तो आप उस सॉन्ग को अपनी वीडियो से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा कि आप इस पर टच करेंगे, उसके बाद आपके सामने यूट्यूब लाइब्रेरी खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ से आप कोई भी सॉन्ग इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो कॉपीराइट का है वो हट जाएगा और ये नया सॉन्ग यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये YouTube की तरफ से फ्री सॉन्ग दिए हुए हैं, जितना ही चाहे आप यहाँ पर इफेक्ट हो या फिर सॉन्ग्स हो, वो सभी फ्री हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं, आपके वीडियोस पर कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो दूसरा तरीका आप ये भी आजमा सकते हैं। टाइमर देखिए सबका सेम ही रहेगा, आप जिस तरीके से आप करना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, बात आती है कि हम किस तरीके से वीडियो को एडिट करें जो कि हमारी वीडियोस पर कभी भी कॉपीराइट नहीं आए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई वीडियो एडिट करें, उसमें आप किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो क्लिप हो या फिर कोई सॉन्ग्स हो उसे यूज करते हैं, तो उसे 10 सेकंड से कम का करें, लगभग 6 से 7 सेकंड का यूज करें, तब आपकी वीडियोस पर कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा।
हालांकि उस क्रिएटर को ये पूरा हक होता है, वो अपनी एक सेकंड की वीडियोस पर भी कॉपीराइट क्लेम दे सकता है और कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें कॉपीराइट से बचना है और कॉपीराइट क्लेम से हमें छुटकारा पाना है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।